हेलो 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 हाँ भाई देखें आवाज आवाज आ रही है सबको हेलो हेलो अरुण कैसे हो आप चलिए चलिए तो ये भाई देखें आज हम लोग अपने छोटे चाचा मैट्रो को समाप्त कर लेते हैं चीजें बहुत सारे हमने पढ़ ली है सीख ली है देख ली है है ना है ना और बस

और uh, फाइव आ रहे हैं केमिस्ट्री है, में 2 एंड फिजिक्स में 95 है बहुत बढ़िया के केवीआर मोटिवेशन मैथ्स का नहीं पूछ रहा हूँ जरूरत नहीं पूछने, पूछने की मैं डिफरेंस निकाल लूंगा 95 प्लस प्लस 82, 82 177 हो गए <laughs> है, है ना 177 हो गए बाकी का डिफरेंस मुझे पता है एक और हेलो

अब ठीक है ना सब चलिए ठीक है है ना अब क्लियर है सो so, देखो फ्लैश नोट नंबर थ्री के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जो अपना फ्लैश नोट नंबर थ्री है क्या करवाया जाए आपको 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 बताता हूं अबाउट ब्राउन रिंग टेस्ट ठीक है तो सॉल्ट एनालिसिस का ये पार्ट है छोटा सा ब्राउन रिंग टेस्ट तो क्या होता है देखो ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे काम करता है किसके लिए करवाते हैं तो ये जो टेस्ट है ये बेसिकली एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है बता सकते हो किसके लिए होता है दिस इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एनओ थ्री माइनस एन एनओ टू माइनस ठीक है तो इन आयंस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट की तरह काम करता है अगर आप इन आयंस को देखो तो इसमें क्या होता है ना इस टेस्ट को करवाने के लिए आप ऐसा कोई भी सोल्यूशन जिसमें एनओ थ्री माइनस आयन प्रेजेंट हो या फिर एनओ टू माइनस आयन प्रेजेंट हो इसमें आप ऐड करते हो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड एफ ई फोर ठीक है और उसके साथ साथ आप क्या करते हो फिर कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर एड करते हो इज एडेड बाय द साइड वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब ठीक है तो जो टेस्ट ट्यूब है उसकी साइड वॉल्स पे आप क्या करते हो साइड वॉल्स के सहारे आप कंसेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर एड करते हो तो यहां पे आपको एक ब्राउन कलर की रिंग बनती हुई दिखाई देती है और ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड। ब्राउन रिंग इज फॉर्मड एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड ठीक है तो उस लिक्विड के जंक्शन पर आपको एक ब्राउन रिंग बनती हुई दिखाई देती है और उस ब्राउन रिंग का जो फॉर्मूला है वो होता है एफी एच टू ओ होल फाइव एनओ एस ओ फोर होता है Fe H2O होल 5 NOSO4 ये आपके पास जो कंपाउंड बना इसी को हम लोग ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें आयरन का ऑक्सीजन स्टेट प्लस वन होता है और इसमें जो NO है ये एक्चुअली NO+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो ये जेई एडवांस्ड का तो फेवरेट है फेवरेट आप इतिहास उठाकर देखो कम से कम तीन से चार बार वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स को पूछ चुका है अब आई थिंक 2021 या 20 के अंदर भी उसने इस पे क्वेश्चन पूछा था इंपॉर्टेंट है इस पे आप जरूर 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 ध्यान रखना डायरेक्टली आपसे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन वापस से भी पूछा जा सकता है ठीक है कल से सॉल्ट एनालिसिस अरुण आज अभी रात को मतलब हमने कभी एक वीडियो बनाया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मेरे हिसाब से आप अपना नजरिया बदल दोगे सॉल्ट एनलिस तो मैं करवा ही दूंगा ठीक है लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडवांस के लिए जे एडवांस के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए पिछले छह साल में वो है पी ब्लॉक कौन सा है पी ब्लॉक लेकिन अगर आप चाहोगे तो लोग सॉल्ट एनालिसिस से भी शुरू कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है? ओके जी चलियो फ्लैश नोट कवर करने के बाद थियरी आपके सामने लिखी हुई आ जाएगी तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर वैसे इसका आप बहुत कुछ पहले ही पढ़ चुके हो तो एक तरह से ये मान लो अभी तक आपने जो पढ़ा है आप उसका सिर्फ रिविजन करने वाले हो इस वाले केस के अंदर तो कॉपर की जो मेन ओर है वो होती है सीयूएफ इसका नाम बताओ जरा इसका नाम तो अच्छा अपनी कुछ ओर्स और रह गई है है ना एक अपनी नाइट्रेट और रह गई है तो आप ध्यान देना अपने पास हेलाइड ओर्स होती है कुछ ठीक है तो हेलाइड में आप देखो आपके पास एन होता है तो एन का नाम होता है रॉक सॉल्ट ठीक है उसके अलावा आपके पास होता है एजीसीएल इसे हम लोग हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं किस नाम जानते हैं हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं ऐसे आपके पास होता है केसीएल कोई मुझे केसीएल का नाम बता सकता है केसीएल का क्या नाम होगा बताओ वट वुड बी द नेम ऑफ केसीएल देखते हैं कौन कौन बता सकता है कोई बताएगा उसके अलावा एक और कंपाउंड होता है उसका फॉर्मूला बता दो उसे हम कार्नालाइट के नाम से जानते हैं एक कार्नालाइट होता है एक फ्लोर होता है और एक क्रायोलाइट होता है जी ओ जड्डा नाम तो दसो नाम बताओ भाई केसीएल को क्या बोलते हैं एक्सेप्ट पोटेशियम क्लोराइड ट्रसरी ब्यूटाइल ट्रसरी ब्यूटाइल ब्यूटोक्साइड है ना पोटेशियम ट्रसली ब्यूटोक्साइड गलत है चलिए कार्नलाइट कार्नलाइट का फॉर्मूला बता दो केसीएल को कार्नलाइट नहीं बोलते हैं केसीएल को बोलते हैं सिलवाइन क्या बोलते हैं सिल्वाइन के नाम से जानते हैं इट इज के सी एल डॉट एम जी सी एल टू डॉट सिक्स एच टू ओ फ्लोर का फॉर्मूला होता है सी ए एफ टू और क्रायोलाइट क्या होता है दिस इज एन ए थ्री ए एल एफ सिक्स एक्चुअली ये सोडियम और एल्यूमिनियम के फ्लोराइड का एक मिक्सचर है एन ए एफ डॉट ए एल एफ थ्री समझ में आ रहा है आपको चलिए तो ये कुछ आपके हेलाइड हैं इसके अलावा आपके पास ये नाइट्रेट हैं इनका भी आप ध्यान रखना तो ज्यादा नहीं है दो ही है लेकिन को पता होना चाहिए एक होता है KNO3 और एक होता होता है है और और मुझे अच्छे से पता है आपको इनका नाम जरूर पता होगा हाँ भाई बताओ इन दोनों का नाम क्या क्या है एक के एन ओ थ्री है और दूसरा एन ए एन ओ थ्री है नाम बताओ दोनों के और वो भी जल्दी से फटाफट कोई बताएगा के NaNO3 थ्री एन थ्री दोनों के नाम कुछ पीटर पीटर बोलते हैं पीटर 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 पार्कर चिले सॉल्ट पीटर अरुण चिले सॉल्ट पीटर कौन सा है के थ्री है या एन एनओ थ्री है इंडियन सॉल्ट पेट्रे वेरी गुड पीटर नहीं होता पेट्रे होता है तो यह है हमारा इंडियन सॉल्ट पेट्रे इंडियन सॉल्ट पेट्रे काई के नाम से इसे रख सकते हो और यह चिले सॉल्ट पेट्रे तो ये दो आपके पास मेजर नाइट्रेट ओर्स होती है एक इंडियन सॉल्ट पेट्रे और एक क्या होता है चले सॉल्ट पेट्रे चलिए बहुत ही बढ़िया अब चलते हैं आगे और बात करते हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर की तो ये कॉपर की ओर है जिसे हम लोग चलको पायराइट के नाम से जानते हैं ठीक है तो सबसे पहले वही इसकी क्रशिंग ग्राइंडिंग पलवरेशन होता है उसके बाद हम क्योंकि एक सल्फाइड और है तो हम इसका करवाते हैं कॉन्सेंट्रेशन बताओ सल्फाइड और के कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन फ्लोटेशन, फ्लोटेशन मेथड आप यूज करते हो ठीक है इसके बाद आप क्या करवाते हो इसकी रोस्टिंग करवाते हो जब आप इसकी रोस्टिंग करवाते हो तो देखो रोस्टिंग के दौरान क्या होता है रोस्टिंग के दौरान ये CUFES2 एफ एस टू जो है वो रिएक्ट करता है और ये किसमें कन्वर्ट होता है सीयू टू एस प्लस एफ ई एस प्लस टू में कन्वर्ट होता है ठीक है फिर ये जो आपका बेसिकली ना आपको बताऊं सी यू टू एस प्लस एफ ई एस है इसमें से आपका जो एफ ई एस है इसका ऑक्सीडेशन होता है फर्दर ये कन्वर्ट होता है इनटू एफ ई प्लस टू बट मेजर जो यहां पर होता है वो सी यू टू एस प्लस एफ एस होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैट क्या बोलते हैं मैट ठीक है ना तो यहां से निकलता है ब्लास्ट वही आपकी जो रेवर फर्नेस होती है फिर हम इसका करवाते हैं बेसिमराइजेशन क्या करवाते हैं बेसेमराइजेशन तो एक कन्वर्टर होता है जिसे हम लोग बेसेमर कन्वर्टर के नाम से जानते हैं भी डिटेल में और बताऊंगा मैं आपको आगे चलकर बट वहां पर क्या होता है इस बेसेमर कन्वर्टर में आप जो सी यू टू एस है अब देखो ये जो FeS है ये ऑक्सिडाइज होकर FeO में कन्वर्ट होता है और ये इसकी मेजर इंप्योरिटी है तो आपको याद होगा ना आपको बताया भी था कॉपर की मेटलरर्जी के अंदर जो मेजर इंप्योरिटी होती है वो FeO की होती है तो इस इंप्योरिटी को हटाने के लिए आप इसके अंदर SiO2 को ऐड करते हो एज फ्लक्स याद होगा आपको फ्लक्स प्लस इंप्योरिटी मिलकर क्या बना लेती है स्लैग FeSiO3 बन गया ध्यान रखना हम जे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करना है पीवाई क्यू सारे मेटलर जी आज खत्म है आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे आंसर निकालोगे देखना अभी के अभी फिर क्या होगा कॉपर का सेल्फ रिडक्शन होता है सी यू टू एस प्लस ओ टू से क्या बनेगा आपका सी यू टू ओ प्लस एस टू बनेगा और ये जो सी है ये बचे हुए सी से रिएक्ट करके क्या बनाएगा सी यू यहां से जो कॉपर है उसमें ये SO2 गैस डि फॉर्म में रहती है जैसे कॉपर ठंडा होता है गैस की स्टोरबिलिटी कम होती है गैस बाहर निकलती है और इसके सरफेस पर छोटे छोटे ब्लिस्टर्स क्रिएट हो जाते हैं तो यहां से जो आपको कॉपर मिलता है उसे हम लोग ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जानते हैं कौन सा कॉपर कॉपर नाम जानते हैं ब्लिस्टर हिंदी में बोले तो फफोलेदार कॉपर होता, होता है लेकिन कॉपर का इसलिए इस कॉपर की हम करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो आप लोगों को अच्छे से याद होगा मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में वो कंप्लीट करवा दी थी अगर आप चाहो या ना चाहो यहीं पर तो थी नहीं नहीं इस वाले में नहीं है नहीं। वो दूसरी पीडीएफ में थी आ, यहाँ पे फ्रोथ फ्लोटेशन तक ही है तो मैंने आपको करवा दिया आपको अच्छे से याद है वो भी आ भी जाएगा दोबारा से तो आओ जो मैंने बोला उसको पढ़ना शुरू करते हैं एक बार कंफर्म कर दो सब कुछ क्लियरली दिख रही ना चीजें सो मेटलर्जी ऑफ कॉपर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम ओर चेलको पायराइट सी से हम कॉपर को क्या कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बींग अ सल्फाइड और इट इज कंसनट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड मैंने सिखाई दिया है फिर होती है इसकी रोस्टिंग रोस्टिंग के दौरान जो सीयू एफ एस टू है उसको आप ऑक्सीजन के साथ हीट करते हो तो हीट करने पर क्या होता है ये कन्वर्ट होता है इन पर मिक्सचर टू एस प्लस को हम कॉपर मेट के नाम से जानते हैं तो पढ़े आप आगे से Fe बींग मोर रिएक्टिव देन कॉपर कंबाइंस विध ऑक्सीजन एंड गेट ऑक्सीडाइज टू FeO एंड सीयू टू एस इज पार्शली ऑक्सीडाइज टू सीयू टू द रोस्टेड और दस मेनली कंटेन सी यू टू एस एफ एंड सम अनरिएक्टेड एफ ई एस आई थिंक यहां पर लिखा हुआ भी होगा और अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप ध्यान रखना ये जो सी यू टू एस प्लस एफ ई एस का मिक्सचर आपको मिलता है इसे हम लोग कॉपर मेट के नाम से जानते हैं इसके नाम से जानते हैं कॉपर मेट के नाम से हम इस मिक्सचर को जानते हैं बोलो बात समझ में आ रही है ठीक है ना अब इस कॉपर मेट को हम आगे लेकर जाते हैं और इसकी करवाते हैं स्मेल्टिंग जैसा कि मैं आप लोगों को बताया एक सेकंड दो मुझे जैसा लग रहा है कि थोड़ा ब्राइटनेस का इश्यू आएगा आप लोगों को इसमें थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है अभी चलेगा ऐसा देखो क्लियर है ना विजिबिलिटी का इशू आ रहा था पहले अगर नहीं दिख रहा तो मुझे बता देना तो तो, अब क्या होगा आप रोस्टेड ओर को मिक्स करोगे विथ सिलिका सिलिका यहां पर फ्लक्स की तरह काम करती है तो देखो ये आपकी इंप्योरिटी है ये फ्लक्स है और इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा स्लैग बताया था मैंने आपको द मोल्टन मास ऑप्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस कॉल्ड मेट और कॉपर मेट और कॉपर मेट में आपके पास क्या होता है सी टू एस और एफ एस जो मैंने पिछले पेज के ऊपर लिखा था तो उसमें आ रहा है तो जो भी थोड़ा बहुत FEO बना था उसको आपने SIO2 से क्लियर कर दिया मोस्टली तो जरूर 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 वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछता है इसलिए आपको छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा कैसे ये काम करते हैं मैट क्या होता है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है तो कॉपर सल्फाइड क्यूप्रस सल्फाइड प्लस फ़ेरस आयरन सल्फाइड मिलकर कॉपर मेट क्रिएट करते हैं इसके बाद हम इसको लेकर जाते हैं बेसिमरेशन के लिए तो बेसिमरेशन क्या है बेसिमर एक कन्वर्टर है ऐसी एक पियर शेप्ड वेसल होती है पियर शेप नहीं बोल सकते ऐसी वेसल होती है और इसमें ना दोनों तरफ एक्सेल लगी हुई होती है तो आपने देखा होगा आपके घर पे जब कंस्ट्रक्शन होता है तो एक कंक्रीट को मिक्स करने वाली मशीन आती है जो ऐसे घूमती रहती है और उस मशीन को आप देखोगे तो जिस भी एंगल पे चाहो आप टिल्ट करते हो तो पहले उसको सीधी रखते हैं उसमें कंक्रीट डालते हैं घूमती रहती है घूमती रहती है तो इसे टिल्ट करके उसे सारी कंक्रीट को नीचे पोर कर लेते हैं स्ट्रक्चर है ऐसे एक्सेल लगी हुई होती है और आप चाहो तो इस फर्नेस को किसी भी एंगल पे टिल्ट कर सकते हो मतलब जब आपका काम हो जाएगा तो उसको टिल्ट करके आप इसे सारा मेटल बाहर निकाल सकते हो मोल्टन मेटल तो इसका नाम बेसेमर है सेमर कन्वर्टर बोलते हैं इसलिए तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया बेसिमराइजेशन हो गया सो जो मैट मिला आपको सी यू टू एस प्लस एफ ई एस का मिक्सचर ऑप्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्निस नाउ मिक्स्ड विथ सिलिका जो कि अगेन फ्लक्स की तरह काम करेगी एंड हीटेड इन कन्वर्टर बेसिमर कन्वर्टर शेप इज माउंटेडल्ट कर सकते हो ड्यूरिंग बेसिमरेशन एनी इंप्योरिटी ऑफ सल्फर आर्स एंटीमनी प्रेजेंट इज रिमूव इन दॉलेटाइल ऑक्साइड किसकी फॉर्म में वोलेटाइल ऑक्साइड्स की फॉर्म में आप इंप्यूरिटी को रिमूव कर लेते हो मतलब सल्फर चला जाएगा एसओ टू की फॉर्म में arsenic, AS2O3 की फॉर्म में फॉर्म में रिमूव हो जाता है मैट तो में विद सिलिका टू Cu2S था FeS था तो ये जो FeS है ये तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है FeO में और FeO फिर से SiO2 टू के साथ कंबाइन होकर स्लैग की फॉर्म में रिमूव हो जाता है अब बचा आपका Cu2S. टू एस मैंने आपको बताया था यहां कॉपर का सेल्फ रिडक्शन होगा Cu2S टू एस का पहले पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा यह बनाएगा Cu2O So2, और बचा हुआ Cu2O, Cu2S से रिएक्ट करेगा. और क्या बनेगा आपको कॉपर जिसमें एसओ टू डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होगी मुल्टन मेटल इज पोर्ड आउट इन टू सैंड मोल्टेर इट कूल्स एंड द एसो टू डिजोल्व इन इट एस्केप्स ऑफ कॉजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग तो अगर आप कॉपर की रिफाइनिंग की बात करें तो कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है बहुत अच्छे से और डिटेल मैंने आपको चीजें पढ़ाई थी जब आप कॉपर की रिफाइनिंग करवाते हो तो रिफाइनिंग में क्या होता है आप ऐसे एक कंटेनर लेते हो ठीक है इस कंटेनर के अंदर आप एक थिक शीट यूज करते हो तो इसमें थोड़ा कॉलर कर देते हैं कॉलर फिल होने का है क्या कोई सिस्टम नहीं छोड़ो है ना तो एक तो थिक शीट यूज करते हो उसकी और एक थिन शीट यूज करते हो कॉपर की इस तरह से ठीक है ना तो ये आपकी काम करती है एनोड की तरह और ये ये थिन शीट है, ये काम करती है कैथोड। ना ना? मैंने ना आपको सिखाया था ये जो एनोड है इसके अंदर कॉपर होता है आयरन जिंक सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम की इंप्योरिटीज होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। नोहा आज साढ़े आठ बजे हमारा एक पोस्टमार्टम का इंट्रो वीडियो आने वाला है कि हम कैसे जे एडवांस के क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं बजे मेन चैनल पर होगा वो इस चैनल पर क्लासेस कल से शुरू होगी कल रात को साढ़े आठ बजे जिसमें डीएसटी सर नहीं मैथ्स की नहीं है मैथ्स की पोस्टमार्टम वो नेक्स्ट मेन चैनल पे है लेकिन मंडे से यहां पर बाकी चैप्टर्स की थ्योरी भी शुरू हो जाएगी उसका शेड्यूल शेड्यूल शेयर कर दूंगा ठीक है चलिए तो एनोड पर क्या होगा आयरन और जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर Fe ऑक्सीडाइज होगा पहले Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन में जिंक ऑक्सीडाइज होगा Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन में क्योंकि ये इंप्योरिटीज हैं जल्दी खत्म हो जाएंगी फिर नंबर आएगा कॉपर का और कॉपर यहां पर डिसॉल्व होगा इन द फॉर्म ऑफ Cu2+ सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स हैं तो ये एज इट इज यहीं पर रह जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता तो होगा क्या एनोड से कॉपर डिजोल्व होना शुरू होगा यह कॉपर कैथोड पर पहुंचेगा और कैथोड पर पहुंचकर तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होगा तो टाइम के साथ साथ इस इम्प्योर कॉपर शीट की थिकनेस कम होती जाएगी और प्योर कॉपर शीट की थिकनेस क्या होगी बढ़ती जाएगी और यहां से जो आपको कॉपर मिलता है अराउंड नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन फाइव परसेंट प्योर होता है 99.95 से 99.99 परसेंट प्योर होता है तो सारा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं इसको दोबारा यहां पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं वापस से मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि कॉपर की रिफाइनिंग कैसे होती है यहां पे सी को एस ओ फोर यूज करते हैं फिर देखें आजकल तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है अरे सर फीलिंग वेरी सैड बिकॉज गौरव ये जो ना चैनल नया है तो इस चैनल की रीच उतनी नहीं है है ना और ऑब्वियसली कंटेंट को पहुंचने में टाइम लगता है है ना बाकी चीज़ें बहुत फास्ट मूव करते हैं जिस चीज़ के अंदर पढ़ाई इज़ अ बोरिंग थिंग ठीक है ना बोरिंग चीज़ होती है तो पढ़ाई करना भी इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए टाइम ज़्यादा नहीं है तो नोटंगी करने बैठेंगे साथ में तो बहुत दिक्कत रहेगी है ना तो डोंट वरी क्वालिटी अपने आप चलती है सस्टेन करती है आप आप इससे लूड मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मुझे कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ के अंदर ना तो मस्त रहो अभी हमने चैनल शुरू किया है एडवांस वाला अलग से तो थिंग्स टेक टाइम सो डोंट वरी आप तो पढ़ने पे ध्यान दो हाँ आपको लगता है कि रीच आनी चाहिए तो आप अपने हिसाब से जो शेयर कर सकते हो वो कर देना बाकी यह सच कोई लूट वाली बात नहीं है ठीक है ना तो दोस्त टाइम लगता है चीज़ों को बनने में चलने में होने में एंड वी हैव दैट पेशेंस उसकी कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई अगला प्रोसेस की हम बात करते हैं पोलिंग पोलिंग पुराना मेथड है पर इसका नाम पोलिंग कहां से आया कि पहले के ज़माने रिफाइनिंग नहीं होती थी तो आप जानते हो, की बढ़ानी होती थी उसको प्योर करना होता था तो उसको बड़े बड़े डब्बे लेते थे ना? आपने देखा होगा शादी के अंदर जो खाना बनता है सब्जी बनती है तो बड़े बड़े भगोने होते हैं बड़ा सारा बर्तन लेते थे उस बर्तन के अंदर मोल्टन मेटल को डाल देते थे ठीक है इस मेटल में आप क्या करते थे और डाल मतलब तो मेटल है जिसको आपको प्योर करना है तो मोल्टन कॉपर इसमें डाल दिया अब इसमें क्या होता था मोल्टन कॉपर के अंदर मेजरली सी का कंटेंट ज्यादा होता था इसमें हम फ्रेशली कट ग्रीनवुड पोल्स जो पेड़ का हरा तना होता है उसको इसके अंदर डालते थे हरे हरा तना से डाल दिया था ग्रीन वुड पोल्स गाना कौन गा रहा है भे? ठीक है और फिर इसको आप स्टिर कर थे। तो इतने हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है इन ग्रीन वुड पोल्स में से हाइड्रोकार्बन गैसेस निकलती थी सो हाइड्रोकार्बन गैसेस आर इवॉल्व ठीक है तो जो हाइड्रोकार्बन गैसेस यहां से इवॉल्व होती थी तो ये क्या करती थी ये सी जो है ये इन हाइड्रोकार्बन गैसेस से इंटरेक्ट करके कॉपर के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता था सो दीज हाइड्रोकार्बन गैसेस रिड्यूसेस सी यू टू ओ टू सी यू इंक्रीजिंग द कॉपर कंटेंट और इस तरह से कॉपर की क्या होती थी रिफाइनिंग तो ध्यान रखना मेटलर्जी तो और इसी तरह से इंपॉर्टेंट मेटलर्जी तो है वो है कॉपर आयरन गोल्ड एंड सिल्वर यही आपसे सबसे ज्यादा पूछता है सही तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और छोटा सा प्रोसेस ये ना आपको दिखेगा नहीं बट ये एनसीआरटी में हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये आज तक नहीं पूछा गया है और ये जेई एडवांस के अंदर पूछा सकता है एंड दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीआर अगर आपको कॉपर को लो ग्रेड ओर्स किससे लो ग्रेड ओर्स जिनके अंदर कॉपर का अमाउंट बहुत कम होता है और इंप्यूरिटीज बहुत ज्यादा होती है तो लो ग्रेड ओर से अगर आप कॉपर को एक्सट्रैक्ट करो उसके लिए प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं इसको आप हाइड्रोमेटलर्जी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो हाइड्रोमेटलर्जी तो इस चैप्टर की शुरुआत में आपको हाइड्रोमेटलर्जी बताई थी तो यह ध्यान रखना हाइड्रोमेटलर्जी से आप सिल्वर गोल्ड और कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम इट्स लो ग्रेड ओर्स वेरी 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 क्वेश्चन सही है ना तो इस चीज का आप ध्यान रखना तो इसके लिए हम क्या करते हैं कुछ नहीं करते हैं इसको लो ग्रेड ओर को एक एक्वेल्यूशन बनाते हैं इसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो हाइड्रोजन कॉपर को रिड्यूस कर देती है तो ये तरीका है बट आप ये ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट क्या है हाइड्रो इस प्रोसेस को हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं एक्वा से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉपर की लो ग्रेड ओर जिनके अंदर कॉपर का अमाउंट बहुत कम होता है हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं है ना चलिए बहुत ही बढ़िया फिर आ जाते हैं इंडिविजुअल मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम के ऊपर तो आप लोगों को याद होगा मैंने एल्यूमिनियम कार्य में आपको पढ़ाया था लेकिन यहां कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है तो देखें बॉक्साइट इसकी ओर है ये मैंने आपको सिखाया था बॉक्साइट का जो कंसेंट्रेशन है वो एक केमिकल मेथड है दिस इज केमिकल मेथड ऑफ कंसेंट्रेशन और इसे हम लोग लीचिंग के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से जानते हैं लीचिंग के नाम से तो देखते हैं आपको याद है या फिर नहीं मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास बॉक्साइट है बॉक्साइट में दो मेजर इंप्यूरिटीज हो सकती हैं आइदर ऑफ एफ टू ओ थ्री जब एफ टू ओ थ्री मेजर इंप्यूरिटी तो हम लोग रेड बॉक्साइट के नाम से जानते हैं याद है और अगर उसमें एस टू की मेजर इंप्यूरिटी है तो इसे हम लोग व्हाइट बॉक्साइट के नाम से जानते हैं इस नाम जानते हैं व्हाइट बॉक्साइड के नाम से हम इसे जानते हैं तो बताओ जब हम रेड बॉक्साइड का कंसंट्रेशन करते हैं तो कौन सा मेथड यूज करते हैं और व्हाइट बॉक्साइड का कंसंट्रेशन करते हैं तो कौन सा मेथड यूज करते हैं लेट अस सी आप में से कितने लोगों को ये चीज याद है बताओ भाई बताओ जल्दी जल्दी बताओ है ना तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं बेयर्स प्रोसेस क्या यूज करते हैं बाबू बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं और जब सिलिका की मेजर इंप्यूटिटी सा प्रोसेस यूज करते हैं सरपेक्स प्रोसेस यूज करते हैं अच्छा जी क्या करवाते हैं इस प्रोसेस में कुछ नहीं भाई बहुत आसान काम होता है तो जो आपकी बॉक्साइट है जिसके डॉट टू एच टू और साथ में एफ ई टू ओ थ्री की इंप्योरिटी है इसको हम एन एच के साथ डाइजेस्ट करते हैं हीट करते हैं क्योंकि Fe2O3 बेसिक है ये ये भी भी बेसिक है, ये भी बेस है, बेस और बेस को नहीं बेस पसंद है लेकिन इस तो ये इसको करके बना लेता है। फिर इसके अंदर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए हम इसमें सीओ टू पास करते हैं तो यहां से आपको ए एल ओ एच होल्थ राइस का एक पीपीटी मिलता है या फिर आप चाहो तो इसे एल टू ओ थ्री डॉट है ना हाइड्रेड फॉर्म में लिख सकते हो एक्स एच टू फॉर्म में भी लिख सकते हो एक ही बात होती है दोनों को दोनों या फिर आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में एन ए एल सॉरी यहां नहीं यहां ये एन ए एल ओ एच और इसको आप हीट करो तो आपको प्योर ड्राई एलुमिना मिल जाए

तो जो एस आईओ टू है वो कोक के साथ रिड्यूस होता है सिलिकन की फॉर्म में और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और वोलेटाइल फॉर्म में बाहर निकल जाता है एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है एल्यूमिनियम नाइट्राइडमियम नाइट्राइड, नाइट्राइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो पहले आपको ए एलओ एच होल्थ्राइस का पीपीटी मिलता है जिसको अगर आप स्ट्रांगली हीट करो तो आपको फिर से प्योर ड्राई एल्यूमिनियम मिल जाता है और यहां पर एक और प्रोसेस होता है हम जानते हैं बाय नेम ऑफ हॉल्स प्रोसेस प्रोसेस इज अगेन यूज फॉर लो ग्रेड एल्यूमिनियम ओर्स, लो ग्रेड बॉक्साइट इसमें बॉक्साइट का अमाउंट बहुत कम होता है ऐसे केस में हम जो ओर है उसे एन ए टू सी ओ थ्री के साथ हीट करते हैं फिर से वही कहानी है आपको एन ए एल ओ टू मिलता है फिर आपको ए एल ओ एच मिलता है और फिर उसको हीट करने से आपको प्योर ड्राई एल्यूमिना मिल जाता है ठीक है तो ये चीज मैं आपको पहले से ही बहुत अच्छा सिखा चुका हूं बट फिर भी आप एक और बार गो थ्रू कर सकते हैं आइए ये रही कहानी है ना पहला आपका कौन सा प्रोसेस है वो बेयर्स प्रोसेस है इफ द ओवर कंटेंट्स Fe2O3 ई टू थ्री एज द मेजर इंप्योरिटी रेड बाइट देन This process is used. Finely grounded ore is digested with a concentrated NaOH solution. Al2O3 dissolves, forming NaAlO2. Filter करते हो, एसिडिफाई करते हो एल ओ एच मिलता है उसको हीट करते हो तो आपको फर्दर एल टू ओ थ्री मिलता है बोलो बात समझ में आ रही है चलिए नेक्स्ट फिल्टरेट इज देन सीडेड विद क्रिस्टल्स ऑफ प्योर एलो एच होते सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं मुझे इसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है आप ये ध्यान रखें एसआई टू के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ बेयर्स प्रोसेस एसआईयू टू के लिए क्यों यूज नहीं करते हैं क्योंकि एसआईयू टू नेचर में कैसा है एसिडिक अगर आपने एनएच यूज किया तो ये उसको डिजॉल्व कर लेगा और आप और और इंप्योरिटीज को अलग नहीं कर पाओगे चलिए इसके बाद आता है आपका सरपेक्स प्रोसेस एल 3C थ्री प्लस थ्री बनता ये है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है एस को वापस से ये रिड्यूस कर देता है एन सिलिका बाकी सारा प्रोसेस सेम है चलिए हॉल्स प्रोसेस मैंने आपको बताया यहां पर आप एन ए टू के साथ डाइजेस्ट करते हो बाकी कहानी सेम है एन बनेगा इसको आप एसिडिफाई करोगे सी ओ पास करोगे फिर से ए बनेगा उसको हीट करोगे आपको ए मिल जाएगा तो ये हुआ बॉक्साइट का कॉन्सेंट्रेशन आपने बॉक्साइट और इम्प्योरिटी से अलग कर दिया है ठीक है जी कर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक तो रिडक्शन दे, समझा देता हूं कि जब आप एलुमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हो क्या करवाते हो है ना तो अब चलो ब्राइटनेस तो काम में आ गया है। तो आप ऐसा करवाओगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना एल टू ओ थ्री देखो कुछ प्रॉब्लम है ये जो आपका एल टू ओ थ्री है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 2050 डिग्री सेल्सियस के आसपास बहुत हाई है और इतना हाई टेम्परेचर फर्नेस में बनाने के लिए आपको बिजली ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी और बिजली ज्यादा खर्च होगी तो ऑब्वियसली पैसा भी ज्यादा खर्च होगा तो इसको क्या है? और दूसरा क्या होता है ए एल टू थ्री जो मोल्टन एल टू ओ थ्री होता है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लो है तो इसकी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है तो दो चैलेंजेस आए मेटोलॉजिस्ट के सामने कि एक तो खर्चा इसकी वजह से ज्यादा हो रहा है और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है तो और बिजली वेस्ट जाएगी आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्होंने निकाला दो कंपाउंड ऐड करके तो हम क्या करते हैं जो एल टू ओ थ्री है उसमें दो और सब्सटेंस ऐड करते हैं एक सी एफ टू जिसे हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ फ्लोरसपर और दूसरा क्रायोलाइट क्रायोलाइट दैट इज NA3, तो तो और मिलकर क्या करते हैं हैं एक तो कर देते हैं, मेल्टिंग ओ तो तो दो हजार पचास डिग्री सीधा इसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करके 900 डिग्री सेल्सियस पर ले आए तो एक तो बिजली बच गई ऑलमोस्ट 50% परसेंट रिडक्शन 50 परसेंट से भी ज्यादा रिडक्शन हो गया बिजली के खर्चे में और दूसरा ये यह जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो थी उसको किया NA3ALF6 ने तो CAF2 दो काम करता है इसके मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है और साथ साथ एल टू थ्री को सॉल्वेंट की तरह काम करता है NA3ALF6 का मेन काम क्या है ये इंक्रीज करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को किसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को तो आप ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेई एडवांस के अंदर कि बताओ फ्लोर स्पार्क या फिर क्राइल का फंक्शन क्या है तो फ्लोर्सपार क्लाइड दोनों के दोनों फ्लोर्सपार और क्रायोलाइट दोनों के दोनों ओर के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करते हैं और उसी के साथ-साथ फ्लोर्सपार सॉल्वेंट की तरह काम करता है और क्रायोलाइट जो है वो जो मोल्टेन Al2O3 बनेगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाता है ठीक है इसके बाद तो कुछ भी नहीं होता ये जो आपका Al2O3 है अच्छा होता है होता है कुछ भी तो कहते हैं तो बहुत कुछ होता है एक और बड़ी काम की चीज है अगर मैं आपको बताऊं तो जिस सेल के अंदर हम ये प्रोसेस करवाते हैं है ना वहां पर क्या होता है मैं आपको बताऊं देखो आ, जो एनोड होता है है ना ऐसे बना रहा हूं यहां पर ये ग्रेफाइट का एनोड होता है ग्रेफाइट एनोड और ये स्टील का कंटेनर है ये कैथोड की तरह काम कर लेता है तो रौड रौड लगी होती हैं ऐसे सीरीज में ठीक है तो होगा क्या ये जो एल टू ओ थ्री है तो एल थ्री प्लस प्लस ओ टू माइनस आयन देगा अब कैटाइन जाएगा कैथोड पर तो देखो कैथोड पर तो क्या होता है एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो जाएगा तो Al3+ एल थ्री प्लस प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन मिलकर आपको एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगी लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते है, ध्यान में रखने वाली वो होती है एनोड पर एनोड क्या होता है कार्बन पर क्या होगा, है? जो O2 है, जाकर होगा आपको O2 गैस मिलेगी। क्या मिलेगी ओ टू गैस मिलेगी ये जो ओ टू गैस बनी ये इस ग्रेफाइट के एनोड से रिएक्ट करके सीओ टू बना लेती है क्या बना लेती है बाबू सी ओ टू अब होगा क्या ये ऑक्सीजन जैसे रिलीज होगी ये इस ग्रेफाइट एनोड को खाना शुरू कर देगी तो ग्रेफाइट एनोड कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा तो पुराने जमाने में बार बार इस एनोड को रिप्लेस करना पड़ता था तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिस एनोड हैज टू बी पीरियोडिकली रिप्लेस्ड तो एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है एनोड यानी ग्रेफाइट के एनोड पर ऑक्सीजन मिलती है और वो ऑक्सीजन उस ग्रेफाइट के एनोड को खाना शुरू कर देती है और इसलिए आपको इसको बार 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 रिप्लेस करना पड़ता है अभी तो दिक्कत वाली बात है तो इस दिक्कत क्या किया साइंटिस्ट ने है ना जो साइंटिस्ट लोग थे उन साइनिस्ट लोगों ने इसका इलाज निकाला क्या इलाज निकाला ग्रेफाइट को ग्रीन कलर से कोट कर दिया अरे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं किया भाई उन्होंने क्या किया उन्होंने बोला कि देखो तुम एक काम करो तुम ये जो ग्रेफाइट ये जो कंटेनर है ना इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर इसकी ऊपर वाली लेयर को तुम कार्बन पाउडर से भर दो कोक पाउडर से इसको भर दो ठीक है अब जैसे तुम कोक पाउडर से भरोगे तो कोक पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है 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 ना ना मोर सरफेस एरिया फॉर्म में इसलिए ना? अब आप मुझे बताओ जब यहां से ऑक्सीजन निकली ओ तो उसके पास दो ऑप्शन है या तो वो इस ग्रेफाइट रॉड से रिएक्ट करे या फिर वो इस कोक पाउडर से रिएक्ट करे क्या आप मुझे बता सकते हो वो किससे रिएक्ट करेगी और क्यों बताओ बोलो किससे रिएक्ट करेगी जल्दी बोल के बताओ भाई सुबह पनवेल निकलना है है ना कोक पाउडर से क्यों क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है तो अब इस तरह से ये रॉड जो है वो इससे रिएक्ट नहीं करेगी रॉड की जगह कोक पाउडर काम में आ जाएगा और अब हमें एनोड को बार बार रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा क्या आपको मेरी बात समझ में आती है हाँ जी सर बिल्कुल आती है आती है तो कहानी पढ़ो कहानी सुनो एल्यूमिनियम कैन नॉट बी ऑप्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिस का इलेक्ट्रोलिस क्यों करवा रहे हैं हम एक्वस एल टू थ्री का इलेक्ट्रोलिस क्यों नहीं करवा रहे हैं क्योंकि बाबू जब कैथोड पर जाओगे और एक्व सोल्यूशन है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं एक एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो जाए और दूसरा वॉटर का रिडक्शन हो जाए प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिवस H2 टू गैस 2 OH ओ एच आपको एल्यूमिनियम मिलने की जगह कैथोड पर क्या मिलेगा हाइड्रोजन गैस मिलेगी क्या मिलेगी हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी तो पहले सवाल का जवाब एल्यूमिनियम कैन नॉट बी ऑप्टेन बाय इलेक्ट्रोलिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनिया एज एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन और आपको हाई बहुत so पैसा खर्च होगा पैसा थोड़ा कम है अपने पास है ना सो क्रायोलाइट एंड फ्लोसपर आर एडेड क्रायोलाइट एट एस

दो से तीन बार आज के आज ही याद हो जाएगा ये अब ढंग से आपको रिवाइज करना है है ना चलो इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कैथोड पर एल्यूमिनियम डिपोजिट होगा एनोड पर ओटू बनेगी और ये ओटू ग्रेफाइट को खाना शुरू कर देगी ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एनोड कंबाइंस विद ग्रेफाइट एनोड टू फॉर्म सीओ एंड सीओ टू सो एनोड इज कंज्यूम्ड एंड नीड टू बी रिप्लेस तो इसको कैसे बचाते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है और ये आपकी क्या है मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इस तरह से आप एल्यूमिनियम को ऑप्टेन करते हो ठीक है चलिए इसके बाद जो अपने लास्ट दो बचते हैं वो है सिल्वर एंड गोल्ड तो मी गिव यू अ ब्रीफ रिव्यू सिल्वर और गोल्ड का जो प्रोसेस होता है मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस या फिर साइनाइट प्रोसेस के नाम से जानते हैं दोनों एग्जैक्टली सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो मैं यहां पर मेटल लिख रहा हूं मेटल कैन बी सिल्वर और गोल्ड दोनों में से कोई भी हो सकता है तो इनके लिए हम, हम हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं क्यों क्योंकि हम इनको इनके एक्वस सोल्यूशन से एक्सट्रैक्ट करते हैं इस केस में हम लोग क्या करते हैं इनके रिएक्शन एन या फिर से करवाते हैं और साथ में यहां पर O2 गैस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जे एडवांस्ड एक बार पूछ चुका है है ना एक रिएक्शन इसमें ओ टू नहीं था एक ओटू था ना कुछ लोग ध्यान नहीं देंगे कुछ लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स पे ध्यान देते हैं हर एक बारीकी पे आपको ध्यान देना होगा मेटल प्लस एन ए सी एन प्लस ओटू आप यहाँ पर पास करते हो तो जो आपकी मेटल है वो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है मैं आपको बता दू पीवाई की उसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मुला भी पूछ चुका है इतनी बारीकी दो तरह के कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं गोल्ड के एक एम सी एन होल ट्वाइस एक एम सी एन होल फोर दोनों ऑप्शन दिए गए थे मैं रहा ना एडवांस डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो वो क्वेश्चन पूछेगा जहां पर आप मिस करोगे और उनको अच्छे से पता है कि आप मिस करोगे बहुत शातिर है है वो लोग है ना सो so, ट्वाइस यहां पर वही आपका सिल्वर और गोल्ड दोनों का ही सेम कॉम्प्लेक्स बनता है इस ओटो का यूज क्या है देखो यहां से ना इस रिएक्शन से आपके पास जो एन ए टूएस बनता है सल्फर भी होती है मतलब एयर के अंदर जो इंप्योरिटीज उसके हिसाब से तो होता क्या है कि जो एन बनता है ये इस रिएक्शन को वापस से बैकवर्ड ला सकता है क्या ला सकता है बैकवर्ड ला सकता है तो ऑक्सीजन क्या इस बने हुए एन से रिएक्ट करके एन बना लेती है और ये इस रिएक्शन को बैकवर्ड आने से रोकती है यानी ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि ऑक्सीजन इस रिएक्शन की फॉरवर्ड यील्ड को बढ़ाती है इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने में कौन हेल्प करती है

का ये मिलता है है। और और हो जाती प्रोसेस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन इस पे आप इसका रोल इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ये दोनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं आओ देखते हैं सो मेटलर्जी ऑफ सिल्वर सेम गोल्ड की आएगी देखना अभी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सिल्वर ओर एजी टू एस साइनाइट प्रोसेस और लीचिंगटेड विदो पॉइंट फाइव परसेंट बाई वेट एनएसएन सोल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर वेयर इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद सिल्वर लिविंग इंप्योरिटीज इज देखो एजी टू एस सल्फाइड ओर थी एनएसीएन दोनों रिएक्शन एनए टू एस प्लस एजीसी

चलिए बहुत ही बढ़िया वा, इसके बाद कुछ नहीं है यहां पर जिंक डाल दो तो जैसे जिंक डालोगे जिंक सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और आपको सिल्वर मेटल मिल जाएगी इसकी आप फर्दर रिफाइनिंग कर सकते हो डन चलिए फिर आते हैं गोल्ड के पास सेम प्रोसेस गोल्ड प्लस एन ए सी एन प्लस एच टू प्लस ओ टू सेम एन एय सी एन होल्ड बनेगा यहां जिंक ऐड करो तो आपको यहां पर गोल्ड मेटल मिल जाए ठीक है सेम रिएक्शन है कोई डिफरेंस नहीं है चलिए जी नेक्स्ट है जिंक जिंक तो zinc में कुछ भी याद रखने का नहीं है सल्फाइड और जेडेस जिसे आप लोग जिंक ब्लेंड के नाम जानते हो उसका एक और नाम होता है स्फेलेराइट स्फेलेराइट तो जिंक ब्लेंड बोल बोल लो या बोल लो या एक ही बात है सल्फाइड ओर है फ्रोथ फ्लोटेशन करवाओगे फ्रोथ फ्लोटेशन करवाने के बाद क्योंकि सल्फाइड ओर है आप इसकी रोस्टिंग करवाओगे रोस्टिंग करवाओगे तो देखो जेडेनो बनेगा जेडेनसो फोर जेडेनो

दस लाइक पीबी कैडमियम एंड एफ हमने सीख चुके हैं जिंक की रिफाइनिंग कौन से मेथड से होती है डिस्टिलेशन से क्योंकि जिंक लो वोलेटाइल मेटल है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कम तो डिस्टिलेशन के थ्रू हम इसको हटा सकते हैं लिक्वेशन के थ्रू हम लिक्वेशन नहीं इसको आप डिस्टलेशन लिखना डिस्टिलेशन के थ्रू हम इसे रिमूव कर सकते या फिर आप इसकी फर्दर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी कर सकते तो बस यही थी आपकी मेटलर्जी मैं आपको फिर से बता में भी नहीं गिवन है, लेकिन, क्योंकि में के बारे में दिया गया है तो उसका एक्सट्रैक्शन एडवांस लेवल पर आना ही चाहिए तो चैप्टर की थ्योरी हम लोगों ने कवर कर ली है अब आओ करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपसे <coughs> अपने इस चैप्टर मेटलर्जी पे पूछे गए हैं एक सेकेंड अब मैं ये नाइट लाइट हटा दूं और थोड़ी सी ब्राइटनेस भी बढ़ा दूं ताकि हम लोग चीजों को अच्छे से सीख पाए हाँ भाई तो क्या आप तैयार हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है ना तो रेडी हो जाए <coughs> आपके दिन चल रहा होगा सर थ्योरी थ्योरी पढ़ा दी क्वेश्चन नहीं करवाए तो आज क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर सही करते हो आर यू रेडी गाइस सो लेट अस स्टार्ट पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर सी कौन कौन लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज आर स्टेटमेंट्स बताने हैं है ना? स्टेटमेंट्स मतलब क्या क्या सही हो सकता है और क्या क्या मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बताओ भाई कौन सा आंसर होगा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है पहला रोस्टिंग ऑफ मेलाकाइट मेलाकाइट भैया क्या होता है तो मेला डॉट सी यू ओ एच ट्वाइस इसमें तो पहले से ऑप्शन है इसकी रोस्टिंग की जरूरत ही नहीं है है ना तो इसका तो कैल्सिनेशन होगा कैल्सिनेशन से आपको क्यूपराइट यानी सीयू टू ओ मिल सकता है तो ये ऑप्शन आपका गलत है कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन कैलामाइन क्या होता है जेड इन सी थ्री मैंने बता दिया है कार्बोनेट ओर्स इसमें पहले से ऑक्सीजन है तो इसका कैल्सिनेशन होगा और आपको ZR मिलेगा बी ऑप्शन सही है कॉपर इज हीटेड सिलिका इन फर्नेस टू रिमूव आयरन हां बिल्कुल सही बात है कॉपर की के मेटल सीयूएफी एस टू जब हम इसका इसकी रोस्टिंग करवाते हैं तो आपको दो चीजें मिलती है एक मिलता है सीयू टू एस प्लस एफ ई एस प्लस साथ में क्या मिलता है एफ ईओ और एफ यहां पर मेजर इंप्योरिटी होती है इसके लिए हम एसिडिक फ्लक्स यूज करते हैं ये भी बिल्कुल सही है है ना और इसके बाद आप बात करो इम्प्योर सिल्वर इज ट्रीटेड विद एक्वस केसियन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉलोड बाई रिडक्शन विद जिंक मेटल ये बिल्कुल सही है अभी हमने देखा था कि सिल्वर की रिएक्शन आप केसियन के साथ करवाओ तो पहले ये के ए जी सी एन होल ट्वाइस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा फिर इसमें आप जिंक मेटल ऐड कर दो तो ये ऑप्शन भी आपका सही है करेक्ट आंसर विल बी बी सी एंड डी तीनों के तीनों आंसर्स करेक्ट होंगे अब मैं आपको बताता हूं कि हम जो पोस्टमार्टम सीरीज ला रहे हैं एडवांस पी वाई क्यू की तो आपने क्वेश्चन तो कर लिया ना अब इस हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया कितने लोगों ने गलत किया जो डेढ़ लाख लोगों ने एडवांस दिया था उनमें से है ना और फर्दर इनमें और क्या क्या पूछ सकता है जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊं ये पूछ सकता है कि यहाँ पर आपने जो ओटू गैस पास की अभी तो आपने पढ़ा है जब मिक्स क्वेश्चन होंगे तो को समझ में नहीं आता है है ना चैप्टर वाइज के अंदर तो वहां पर उनकी बात करेंगे चलिए बहुत ही बढ़िया अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं ये देखो द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटिंग इन द टेम्परेचर रेंज 900 टू 1500 हंड्रेड कैल्विन इज आर 900 से 1500 सो कैल्विन की रेंज में यहां पर क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं यह आपको बताने हैं लाइमस्टोन इज यूज टू रिमूव सिलिकेट इंप्योरिटी ये बिल्कुल सही सिलीकेट लिख थिंक सिलिका लिखना चाहिए था इसको एस आई ओ टू है ना तो मैं आपको बता चुका हूं आयरन की मेटलर्जी के अंदर मेन इंप्योरिटी एस आई ओ टू की होती है और उसके लिए आप आयरन को चूना लगाते हो याद है ना चूना चूना तो चूना लगाओ लाइम स्टोन, CACO3, हीट करोगे आपको सीएओ प्लस सीओ टू मिले पिग आयरन ऑप्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस कंटेन्स अबाउट फोर पर बिल्कुल सही बात है साढ़े तीन से साढ़े चार परसेंट के बीच में उसमें कार्बन होता है पिग आयरन इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ आयरन तो ये भी सही है ये भी सही है को कन्वर्ट टू सीओ टू टू सीओ बिल्कुल आपको सिखाया था कि ऊपर से नीचे गिरता हुआ कार्बन पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सीओ टू बनाता है और ये सीओ टू फर्दर कार्बन के साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनो ऑक्साइड फॉर्म कर दी आप नेचर देख पा रहे हैं पिछले दो साल ईयर चॉइस क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जॉस्ट गैसेस एंड सीओ गलत है यहां पर क्या काम में आती है सीओ फर्दर रिडक्शन के काम में आती है एफ ई प्लस सीओ टू पूरी पर लिख लूंगा मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी तरीका ज्यादा एफ ई टू थ्री पहले थ्री ओ फोर में एफ ई थ्री ओ फोर फिर एफ ईओ में और फिर एफ ई किस में कन्वर्ट होता है एफ ई में तो ये स्टेटमेंट गलत है एनओ टू यहां पर फॉर्म नहीं होती है सही है तो ए बी और सी इस क्वेश्चन के क्या होंगे करेक्ट आंसर होंगे चलिए जी अगला क्वेश्चन ये देखें द इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड और एल्यूमिनियम की मेटलर्जी डायरेक्टली नहीं दी हुई है लेकिन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाते हैं तो आप देखें और ये बताएं कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा रिएक्शन ऑफ एल टू थ्री विथ कोक एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस चलो बताओ आप खुद ही बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है क्या एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में कोक की रिएक्शन एल टू थ्री से होती है हाँ या ना बताओ नहीं होती भैया सब मैं कहीं पढ़ाई नहीं हमने देखा है ये तो कार्बन रिडक्शन हो गया कार्बन रिडक्शन कार्बन रिडक्शन तो होता ही नहीं है हमने तो ये देखा था कि एल्यूमिना का क्या होता है एल का तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं

बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है डिसॉल्यूशन ऑफ एल2ओ3 इन हॉट एक्वस NaOH बिल्कुल सही है जब हम लीचिंग करवाते हैं तो लीचिंग के दौरान यह प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल2ओ3 मिक्स्ड विद Na3LF6 टू गिव एल्युमिनियम एंड CO2 ये भी बिल्कुल सही है Na3, Alf6, आप मिक्स करते हो Al2O3 कैथोड पर एल्यूमिनियम जाकर रिड्यूस होता है वहां से आपको मेटल मिलती है, पर एनोड पर माइनस ऑक्सीडाइज होता है O2- O2 माइनस मिलती है ये O2 ग्रेफाइट से रिएक्ट करके CO2 बनाती है या फिर पाउडर्ड कोक से तो यहां पर भी ए ऑप्शन गलत है बी सी और डी ऑप्शन आपके सही है तो आप ध्यान दें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सारे आंसर सही टिक करने हैं बट अगर आप एक आंसर भी सही टिक करोगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे तो पार्शियल करेक्ट वाला आपके पास आंसर का ऑप्शन होता है सोच समझ कर अपने आंसर टिक करें आप एक ऐसे एग्जाम से डील कर रहे हो जिसमें तीन में से दो सही आंसर भी दिए तो भी आपको मार्क्स मिल रहे होता है तो इससे और क्या आपको चीजें चाहिए तो अगर आपको चीजें जितनी आती है उतने मार्क्स तो आप ला ही सकते हो इसलिए जबरदस्ती में सब कुछ ना करें ओके ये लो सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ही आ रहे हैं पढ़ो करेक्ट स्टेट्स में रिलेटेड टू द मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज आर ओके अ मिक्सचर ऑफ पीबीएस एंड पीबीओ अंडरगो सेल्फ रिडक्शन बिल्कुल सही है <laughs> पढ़ा था बनने पहले पीबीएस है ना किस किस मेटल का सेल्फ रिडक्शन होता है एक पीबी दूसरा एच और तीसरा सीयू तो ये पार्शल ऑक्सीडेशन होके पीबीओ बनाएगा प्लस SO2 फिर जो PBO बना वो बचे हुए PBS से रिएक्ट करेगा PB प्लस क्या बनाएगा SO सही है इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट्स सिलिका इज एडेड टू प्रोड्यूस कॉपर सिलिकेट बिल्कुल गलत है हमने भी पढ़ा था कॉपर की मेटलर्जी के अंदर जो मेजर इंप्योरिटी थी वो FeO की होती है और सिलिका को हम ऐड करते हैं FeO को रिमूव होने के लिए ये तो बिल्कुल ही गलत है

स्टेटमेंट को अगर मुझे फॉल्स करवाना होता तो पता मतलब क्या करता मैं बोलता इन साइनाइट प्रोसेस जिंक पाउडर इज यूटिलाइज्ड टू प्रेसिपिटेट गोल्ड फ्रॉम एन ए थ्री एयू सी होल फोर बस बहुत है ये ये बहुत है नब्बे परसेंट लोगों से आंसर गलत करवाने के लिए उनको दिखेगा ही नहीं <laughs> उनको दिखेगा ही नहीं बोलेंगे हाँ उनकी मेमोरी बोलेगा हाँ यही तो था ऐसा ही कुछ था जिंक ऐड करो और बन जाएगा बोले मानते हो नहीं मानते उस बात को तो बहुत आसान है छोटा सा चेंज करेगा वो और आपसे क्वेश्चन के अंदर गलती करवा देगा अभी डी सही है लेकिन अगर ये लिख देता तो डी ऑप्शन गलत हो जाता ठीक है ना इस चीज का आप लोग ध्यान रखें चलिए विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम

तो इसके चारों स्टेटमेंट सही ए बी सी डी नोहा सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बताना है आपको भाई सारे ऑप्शन चेक करने ठीक है ना A, B, C, D, चारों के चारों ही सही ऑप्शन है सबका सब अभिमन ने पड़ा है चलो जी फिर से करेक्ट ऑप्शन साइनाइट प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रक्शन इन्वॉल्व लीचिंग आउट गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर विद सी एन माइनस लिखा होगा दो बार लिख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ क्यू इन वॉटर टू फॉर्म आर सब्सिक्वेंटली करवाते हो NaCN या फिर साइनाइड आइन प्रेजेंट है तो सबसे पहले आपको इसका दो कॉर्डिनेशन नंबर का एक कॉम्प्लेक्स मिलता है तो देखो पूछ लिया ना AuCN सी एन होल फोर नहीं यू सी एन होल्ड ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ क्यू गोल्ड फ्रॉम इट्स दिख रहा है इतनी बारीक सी बात पूछी हुई है क्यू कौन है ओ टू ठीक है टू फॉर्म आर ये रहा आर तो आर ये गलत हो गया देखो फोर लिख देना इसने जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था वो प्रूव हो गया अब मैक्सिमम लोग इसको सही करके आ जाएंगे उनको याद ही नहीं रहेगा कॉर्डिनेशन नंबर टू था या फोर था है ना? नो आपने मैसेज रिट्रैक्ट किया आपने गलती की है सही सही बोलना है ना ए सही है टी जिंक बिल्कुल सही है आर के अंदर जिंक ऐड करो तो आपको गोल्ड मिल जाएगा तो टी जिंक विद टी टू ऑपटेन ए यू एंड जेड और जेड क्या बनता है एन ए टू जेड एन सी एन होल फोर ये सही है ये सही है ये सही है बी गलत है करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए सी हाँ पूरे प्रोसेस पर ही क्वेश्चन बन गया है चलिए अगला क्वेश्चन कैलामाइन मेलाकाइट अब आप सोचो इस लेवल का क्वेश्चन भी पूछा गया है इसको कोई गलत करेगा क्या कौन सा आंसर है कैलामाइन जेड एन सीओ थ्री मेलाइट सीयू सीओ थ्री डॉट सी यू ओ एच होल्ड एक ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल चिल्लर एडवांस में पूछा गया हर्ष दुबे पोस्टमार्टम सीरीज वज्रबैच से अलग कैसे है वज्रबैच में हम लोग पीवाई क्यूज नहीं करेंगे वहां पे हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जे एडवांस को लेवल पोस्टमार्टम में जो पीवाई क्यूज हैं, इन्हीं का पोस्टमार्टम करेंगे कि किस किस क्वेश्चन में कोई कोई स्टूडेंट क्या गलती कर सकता है जैसे होता है ना आप पोस्टमार्टम में हो तो किसी की डेथ हो गई क्यों हुई ऐसे हुई आगे से किसी और की डेथ ऐसे ना हो तो ऐसे ध्यान रखना चाहिए इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से इस इंसान की डेथ हो सकती है तो ऐसे ही अगर आपसे एक पीवाई नहीं बना यह गलत हो गया एक ऐसा जो डेढ़ लाख लोगों में से सिर्फ चार सौ लोग सही कर पाए चार नहीं किया है। That means उस में कोई कोई खास बात रही होगी और वैसा ही कोई नया क्वेश्चन जे एडवांस बनाकर वापस से आपसे पूछ सकता है तो उसका हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे ठीक है मजा आएगा आपको पोस्टमार्टम सीरीज के अंदर आप ज्वाइन करना कल से वो स्टार्ट होने वाली आज उसका पहला ओरिएंटेशन है जहां पर हम एक एग्जाम्पल लेके बताएंगे कि हम लोग क्या कह रहे हैं और क्या करने वाले हैं। चलिए एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पॉराइट इन्वॉल्व फिर से देखें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप देख रहे हैं मेटलर्जी का नेचर मल्टीपल चॉइस ही मल्टीपल चॉइस भरे हुए हैं मल्टीपल चॉइस ही मल्टीपल चॉइस यानी सबसे ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे और पी ब्लॉक से पूछे जाएंगे टर्सरी बीओके सर यू डिजर्व अ बिग प्लेटफॉर्म आई डोंट बिलीव इन बिग प्लेटफॉर्म आई विल मेक द प्लेटफॉर्म बिग मेरा नेचर थोड़ा अलग है बिग प्लेटफॉर्म्स तो मैं छोड़ के आ चुका हूँ मेरे दोस्त जिस बिग प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हो वो तो लास्ट ईयर ही छोड़ दिया था मैंने जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं ठीक है आप टेंशन मत लो टर्सरी ब्यूटोक्साइड <laughs> समय सब करता है समय समय और आपकी लगन आपका आपकी मेहनत जैसे आज आप एक एग्जाम एक एक के लिए फाइट कर रहे हो जय एडवांस के लिए 14 लाख 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 लोगों ने मेन दिया उनमें से लोग लोग आकर I think इस लोग आकर आई थिंक हो इस एडवांस देंगे और उनमें से मात्र 16000 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उसके लिए चाहता है उसके लिए चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग विजन और डिटरमेशन ऐसे ही आज हम बहुत कम है ठीक है बहुत कम लोग मुझे देख रहे हैं आई डोंट केयर मैं क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं अगर मेरा कंटेंट अच्छा है ना क्योंकि ये एग्जाम है यहां सिर्फ कंटेंट चलता है मेरा दोस्त और कुछ नहीं चलता कुछ भी नहीं चलता सिर्फ और सिर्फ कंटेंट अल्टीमेटली एग्ज़ाम में आपको मेरे थ्रू कराए गए क्वेश्चन कंसेप्ट और कंटेंट के काम में आएंगे मेरे द्वारा किया गया और कोई भी काम आपको याद में नहीं आएगा और तभी आप मुझे शायद रिस्पेक्ट दे पाओगे शायद आप मुझे थैंक यू कह पाओगे कि भाई साहब आपने जो पढ़ाया था ना उसमें से क्वेश्चन आ गए और आई विल शो यू अभी मेरे पास व्हाट्सअप पे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं आज सुबह भी एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर आपने जो पढ़ाया ना हमको यूट्यूब पे उसकी वजह से मैं नहीं कह रहा कि बाकी लोग नहीं कह रहे मेरे पास जो मैसेज है मैं वो बता रहा हूँ तो स्टूडेंट ने केमिस्ट्री में एट्टी फाइव मार्क्स वो लेकर आया और उसका उसका क्रेडिट उसने मुझे दिया दैट इज़ द लव आई वॉन्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर तो आप बहुत स्लो चल रहे हैं नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी स्लो नहीं चल रहा हूँ चिंता मत करो ये वन शॉट ऑम एटलर्जी करवा दूंगा ना आपको अच्छे समझ में ना आएगा ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाते आप आप चिंता मत करो मैं स्लो हूं फास्ट टू आई नो मुझे पता है कंटेंट कैसे आपको डाइजेस्ट होगा है ना सो डोंट वरी अतिशय मैं स्लो नहीं हूं चलो भाई विराट बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया यस यस हर्ष आई नो देखो कल क्या होगा क्या नहीं होगा हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा होगा नहीं होगा ये यूट्यूब चैनल बड़ा होगा छोटा होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आई डोंट केयर क्या मैं आज अच्छा काम कर रहा हूं है ना अच्छा मैं नहीं ऐप बहुत स्लो चल रहा है अक्षय अतिशय ऐप का ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है अभी हफ्ते डेढ़ हफ्ते में आपको ऐप आप बहुत अच्छी मिल जाएगी अभी हमने पहले बेसिक वर्जन लॉन्च कर लिया कहते हम लोग चीज़ें कर पाए और फिर हम लोग ऐप को इम्प्रूव कर देंगे आप समझते हो ना देखो हम घर बनाते हैं पहले उसका नींव बनती है उसमें मिट्टी डलती है फिर नींव बनती है फिर धीरे धीरे मिट्टी ईंट की दीवारें खड़ी होती है बड़ी गंदी सी लगती है वो फिर उनके ऊपर प्लास्टर होता है थोड़ी सुंदर लगती है फिर उनके ऊपर पुट्टी होती है वो और सुंदर लगती है फिर उनके ऊपर कलर होता है फिर वो बहुत सुंदर लगती है तो थिंग्स टेक टाइम डोंट वरी सब लोग अपन बढ़िया करेंगे यस बिल्कुल मिलने आना हम लोग साल पर मिल पार्टी भी करेंगे अतिशय वज्र आपने ले लिया है आई होप आप वज्र में इनरोल हो चुके होंगे अगर कोई भी बच्चा वज्र में इनरोल नहीं हो पा रहा है जिसने वज्र लिया हुआ हो तो वो मुझसे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें अपनी डिटेल्स हमारी टीम आपको ऐड कर देगी इसमें आपको आपका नाम और फोन नंबर ये दो चीजें

ब्लिस्टर कॉपर फॉलोइंग एवोल्यूशन ऑफ एसोटू ये भी बिल्कुल सही है आपने देखा है सी यू टू एस का यहां पर सेल्फ रिडक्शन होता है रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर बाय कार्बन ये बिल्कुल गलत है ब्लिस्टर कॉपर की हम कौन सी रिफाइनिंग करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो मैंने जो चार लेक्चर में आपको मेटलर्जी पढ़ाई है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आप उठा के देख लेना सारे पीवाई क्यूज आपके सामने है बिना नेम के लेकर आ गया हूं पढ़ लो देख लो सब आपको यहां पर मिल जाएगा जो भी पढ़ाया किसको हीट करते हैं? को, और वहां से आपको कॉपर मेटल मिलते हैं रेंडमली उठाकर आप क्वेश्चन सोल्व करो सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते ठीक है तो मैं नहीं करवा रहा हूं क्वेश्चंस पीवाईक्यूज आप एज ए टेस्ट सॉल्व करो अच्छे से नोट्स बना लो मेटलर्जी के बहुत 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 काम में ठीक है थेके? और कुछ आप कहना चाहते हो बताना चाहते हो तो बताइए अकुल मेरा तो लॉगिन ही नहीं हो रहा अकुल अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो प्लीज इस नंबर के ऊपर अभी के अभी आपका नाम और आपका फोन नंबर दोनों मैसेज व्हाट्सअप कर दो एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं अभी हमारे जो कंपनी है उसका जीएसटी नंबर नहीं है इसके साथ पेमेंट गेट में नहीं आ पा रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को इनरोल करने में एक बार वो बन जाएगा तो डायरेक्ट हम इनरोलमेंट लगा देंगे उसके अंदर बट स्टिल आप में से जो भी लोग आपके नॉलेज में भी हो आपके दोस्त वगैरह भी हो जिन्होंने वज्र ज्वाइन किया बट वो लॉग नहीं कर पा रहे हैं प्लीज़ आप इस नंबर पर अपना नाम उसमें लिखना कि मैं वज्र का स्टूडेंट हूँ मेरा नाम ये है और मेरा फ़ोन नंबर ये है और मेरी लॉग इन बना दीजिए तो हमारी टीम प्रॉम्प्टली है ना अभी अपने दो दिन और है फोर्टीन और फिफ्टीन सिक्सटीन अप्रैल से वो शुरू होने वाला है उससे पहले आप अपने लॉग इन क्रेडिशंस कम्प्लीट कर लें ठीक है चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास मे बी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद पी ब्लॉक है ना और अब केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स और मैथ्स भी शुरू होने वाली इसी चैनल के ऊपर जहां पर हम आपके साथ एक क्विक थ्योरी कंप्लीट किया करेंगे क्विक नहीं डिटेल्ड थ्योरी काम की थ्योरी एडवांस लेवल की थ्योरी हम लोग कंप्लीट करेंगे ठीक है चलो मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट साढ़े बजे पी पोस्टमार्टम का सेशन है मेन चैनल के ऊपर कोटा मेंटर्स पर वहाँ जरूर आए आपको बहुत मजा आने वाला है